राजस्थान यूनिवर्सिटी ने देश और प्रदेश को कई राजनेता दिए हैं, लेकिन पिछले दो दशकों से यूनिवर्सिटी से कोई चेहरा बड़ी राजनीति का हिस्सा नहीं बन पाया है। हालांकि कुछ छात्र नेताओं को पार्टी में कार्य करने का मौका जरूर दिया गया है। एक समय था जब राजस्थान से लेकर पूरे देश की राजनीति में राजस्थान यूनिवर्सिटी का डंका बजा करता था। यहाँ से निकले छात्र नेता बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों में बड़ा चेहरा हुआ करते थे, लेकिन विगत दो दशकों से छात्र नेता यूनिवर्सिटी के गलियारों से निकलकर बड़ी राजनीति का हिस्सा नहीं बन पाए हैं। फिर भी छात्र नेता बीजेपी और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों के यूथ विंग में संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। वहीं कुछ छात्र नेता खुद का करियर बनाने के लिए अपनी पार्टी छोड़ दूसरे दल में जाकर अपनी जगह तलाशने में लगे हैं। फेरबदल करके आगे पहुंचने में सबसे आगे नाम कैलाश वर्मा का आता है। कैलाश वर्मा की शुरुआत 2004 में राजस्थान कॉलेज में छात्र संघ में वाइस प्रेसिडेंट बनकर हुई, लेकिन ये बात कम ही लोग जानते हैं कि कैलाश वर्मा कांग्रेस के संगठन NSUI में थे। जैसे ही कैलाश वर्मा राजनीति में आगे बढ़े, उन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया, आगे जाकर बगरू विधानसभा से टिकट भी ले लिया और पहली ही बार में नरेंद्र मोदी की लहर में काफी कम उम्र में ही विधायक बन गए। कैलाश वर्मा मौजूदा समय की CM वसुंधरा राजे के करीबी रहे। हालांकि दूसरी बार कैलाश वर्मा चुनाव हार गए, लेकिन अब फिर बगरू विधानसभा में दावेदारी पेश कर रहे हैं। यही नहीं, चुनावी माहौल के चलते कैलाश वर्मा की विधानसभा में PM मोदी की सभा है। इस कड़ी में दूसरे चर्चित चेहरे की बात की जाए तो राजस्थान में ही यूथ का एक और चेहरा है, अभिषेक चौधरी, वर्तमान में NSUI के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक। लेकिन इससे पहले ये भी अपने ही संगठन NSUI से बागी होकर 2014 में राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र संघ अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि यहां बागी होकर अभिषेक ने चुनाव हारा, लेकिन अगले ही साल 2015 में NSUI में फिर सक्रिय होकर सबसे ज्यादा वोट लाकर नेशनल डेलीगेट्स बने। 2018 में संगठन के ही महासचिव भी रहे। फिलहाल अभिषेक चौधरी NSUI के प्रदेश अध्यक्ष हैं और जोधपुर के लोहावट विधानसभा से कांग्रेस से दावेदारी जता रहे हैं। पिछले छात्र संघ चुनावों में जोधाना यानी जोधपुर काफी चर्चा में रहा। वजह है रविंद्र भाटी, युवा चेहरा, बेधड़क अंदाज और बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी की मदद से आगे बढ़े। ना NSUI ने टिकट दिया, ना ही ABVP से टिकट मिला, निर्दलीय चुनाव लड़ा और JNVU में प्रेसिडेंट बने। चुनाव के दौरान और जीतने के बाद छात्र हित के लिए रविंद्र भाटी ने कई प्रदर्शन किए। इस बीच रविंद्र भाटी की झड़प कई बार पुलिस से भी हुई, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुए, जिससे छात्रों के बीच रविंद्र भाटी को काफी फेम मिला। वहीं जोधपुर से पहली बार फरवरी 2022 में बाहर निकलते हुए रविंद्र भाटी ने जयपुर में एक रैली निकालकर प्रदेश की राजनीति में बैठे दिग्गजों को एहसास करवा दिया कि आने वाली राजनीतिक चेहरों में रविंद्र भाटी किसी से कम नहीं आका जाएगा। फिलहाल रविंद्र भाटी बाड़मेर शिव विधानसभा से टिकट मांग रहे हैं। तीसरा नाम यूनिवर्सिटी में ही NSUI की टिकट लेकर छात्र संघ में महासचिव बने नरसी किराट का है। 2010 में छात्र संघ चुनाव से जैसे ही चुनावों से रोक हटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी में नरसी किराट छात्र संघ में महासचिव बने और NSUI के लिए जमकर काम किए। यही नहीं, अलवर में एक विधानसभा सीट के लिए कांग्रेस के सामने दावेदारी भी जताई, लेकिन कांग्रेस से मायूसी हाथ लगी। ऐसे में अब नरसी BJP के साथ खड़े हैं और अलवर के कठुमर विधानसभा से टिकट की मांग कर रहे हैं। यूथ ब्रिगेड में अब एक और बड़ा नाम भी राजस्थान यूनिवर्सिटी से ही है, जिसने 2012 में राजस्थान यूनिवर्सिटी में ABVP से टिकट लेकर प्रेसिडेंट पद पर जीत हासिल की। ये नाम है राजेश मीणा का। यूनिवर्सिटी में जीत के बाद राजेश मीणा ने पूरे प्रदेश में ABVP और फिर BJP की यूथ विंग के लिए सक्रिय रूप से काम किया। BJP युवा मोर्चा में राजेश मीणा प्रदेश मंत्री भी रहे। वर्तमान में राजेश मीणा अब जमवा रामगढ़ विधानसभा सीट से टिकट मांग रहे हैं। तो ये है वो चेहरे जिन पर यूथ की निगाहें बनी हुई है। अब देखना ये होगा कि इस चुनाव में किसको विधानसभा चुनावों में अपनी पार्टी से प्रत्याशी बनने का मौका मिलता है। द नगरी न्यूज़ के लिए श्लोक की रिपोर्ट।